हर्बल रेमेडीज एंड नेचुरल ट्रेजर में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे कचनार की। 100 से ज़्यादा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है कचनार, बोहिनिया वेरिगेटा, कर्बूदरा या माउंटेन इबोनी। सीसल पिनेसी का ये मेंबर है और इसके जो पत्र होते हैं वो जुड़े हुए लगते हैं, इसलिए इसको युग्म पत्र भी कहा जाता है। इसकी पॉड्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर सीड्स आ जाते हैं और सीड से इसका प्रोपेगेशन सहजता से किया जा सकता है। कटिंग के माध्यम से भी प्रोपेगेशन किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए बहुत हर्बल फॉर्मुलेशंस में, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में, यूनानी होम्योपैथी इथ्रो मेडिसिन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्र, इसके फूल, इसकी छाल, इसकी मूल सभी औषधीय गुणों के लिए विशेष उपयोगी है। मित्रों, आज बात करें इसकी जो छाल है, इसकी छाल का आप डिकॉक्शन बना के सेवन करेंगे तो पेट के कीड़े आसानी से दूर हो जाते हैं। आप इसके पत्र का सुरस बनाकर सेवन करेंगे तो वो भी वही कार्य करेगा, पेट के कीड़े को दूर कर देता है। कई बार बचपन में कुबड़पन की समस्या हो जाती है, यह विटामिन्स के, मिनरल्स के डिसरेगुलेशन के कारण ऐसा होता है। क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है बच्चों में, हॉर्मोन्स के डिसरेगुलेशन से ऐसा हो जाता है। ऐसे बच्चों को कुबड़पन से निवारण के लिए आप इसकी छाल का डिकॉक्शन बनाकर उसमें 200 मिलीग्राम पुरवाल भस्म मिलाकर दिन में एक बार सेवन कराएंगे तो देखेंगे कि बच्चों का कुबड़पन आसानी से दूर हो जाता है। इसके पत्र एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का कार्य करते हैं, पेन को रिलीव करते हैं। रक्त पित्त की समस्या के कारण शरीर में ट्यूमर्स की गांठें बन जाती हैं, उसके निराकरण के लिए आप इसके पत्र, इसके फूल और इसकी पॉड मिल जाए तो और भी अच्छा है, इसका पेस्ट बनाकर ट्यूमर्स की गांठों पर लगाइए, उनमें पेन कम होता है और धीरे धीरे वो बैठ जाती हैं। साथ ही साथ इसकी छाल का डिकॉक्शन भी पीना चाहिए, विशेष गुणकारी होता है। इसके फूल का आप गुलकंद बना के रख सकते हैं, फूल और कमल पत्र का गुलकंद बनाकर रख सकते हैं। और इसके गुलकंद का पुराने से पुराने विबंध की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, रक्त आर्स की समस्या हो, उसको ये दूर करता है। क्या होता है, ब्लीडिंग पाइल्स या ब्लीडिंग डिसेंट्री भी हो उसमें भी वो गुलकंद विशेष लाभ करता है। अगर फूल ना मिलें तो कमल पत्रों का भी आप सुरस बनाकर, शहद मिलाकर सेवन कीजिए, उसका भी वही कार्य होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला, डायबिटीज़ के निराकरण करने वाला, ओबिसिटी को कम करने वाला विशेष प्लांट है। पत्र का सुरस, छाल का डिकॉक्शन और इसकी मूल का सेवन भी आप कर सकते हैं। मित्रों, इसका उपयोग आप आर्थराइटिस के निराकरण के लिए भी कर सकते हैं। आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेन होता है, इसके लिए आप इसके छाल और इसके पत्र की लेप लगा सकते हैं और छाल का डिकॉक्शन बनाकर पिला सकते हैं। इसके साथ साथ ओबिसिटी की समस्या हो, डायबिटीज़ की समस्या हो, हाइपरटेंशन की समस्या हो और अल्सर की समस्या हो, उन सब का निराकरण करता है, विशेष गुणकारी है। कई बार क्या होता है, दांतों में पीड़ा हो रही है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो उसके निराकरण के लिए आप इसके सूखी टहनी को लेकर उसका मंजन बना लीजिए, जलाकर राख बना लीजिए और उससे मंजन कीजिए। या फिर आप इसकी टहनी को लेकर दांतन भी कर सकते हैं, दांतों के कीड़े, पायरिया की समस्या, ब्लीडिंग गम्स, सभी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मित्रों अस्थमा की समस्या है तो आप इसके सूखे पत्र को लेकर उसका धूमन भी ले सकते हैं, उसका धुआं भी ले सकते हैं, अस्थमा में विशेष गुणकारी होता है। यह लीवर, किडनी, लंग्स तीनों के रेमेडिएशन में कार्य करता है। ज़्यादा मात्रा में आप इसको अगर ले रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नोज़िया, वोमिटिंग की रूप में कभी कभी आ सकते हैं, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, अपने आप ही 18 घंटे के अंदर आप नॉर्मल हो जाएंगे। ये जानकारी है, अपने मित्रों के, साथियों के साथ साझा कीजिए ताकि उन सबको भी इससे फ़ायदा हो सके। और इन्हीं बातों के साथ हम फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ, नई समस्याओं के समाधान के लिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।